नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र से संबंधित जानकारी दूंगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप कौन कौन से दिन चुने जो उत्तम और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो। पुत्र और पुत्री के लिए मैं दोनों डेटे बताऊंगा कि आपको कौन कौन से दिन पुत्र प्राप्ति के लिए चुनने चाहिए और कौन से पुत्री प्राप्ति के लिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा करके ऑल को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूं उस चीज का आप ध्यान रखें, वैसे आपको भी पता ही है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि आप कमेंट में कभी भी जो है अपना मोबाइल नंबर आदि ना डालें, क्योंकि मैं किसी का मोबाइल नंबर नहीं मांगता और ना ही अभी इतना समय निकाल पाता हूं कि मैं किसी से बात कर सकूं। जब मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दूंगा तो स्क्रीन पर उजागर लिखा हुआ मेरा नंबर आ जाएगा। मैं अभी आपको नंबर नहीं दे पा रहा हूं। जब मैं नंबर दूंगा तो उस नंबर देने के बाद में मुझे करीबन 2 घंटे ऐसे निकालने पड़ेंगे जिससे मैं आपको आपसे बात कर सकूं। अभी फिलहाल मैं इतना समय नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और उस पर अगर कोई फोन करता है या कोई आपसे कुछ पूछ सकता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इस चीज से आप ध्यान रखें, ना मैं किसी से पैसे मांगता और ना ही किसी से मोबाइल नंबर मांगता हूं। अब बात करता हूं मेन पॉइंट की, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको कौन सी डेटें चुननी है। दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब पीरियड शुरू हो तब से लेकर के 6 दिन तक आप जो है बिल्कुल भी कोई भी डेट यूज ना करें। ये 6 दिन जो होते हैं शुद्धताई के होते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं, पीरियड चक्र। कोई 4 दिन में किसी की शुद्धताई होती है, किसी की 6 दिन में शुद्धताई होती है, लेकिन मैंने 6 दिन तक माना ही जाता है। तो ये 6 दिन आप शुरुआत के बिल्कुल छोड़ दें। उसके बाद में जब भी आप डेट चुने तो 8वें दिन से शुरुआत करें। सबसे बेस्ट जो उत्तम संतान प्राप्ति के लिए होते हैं, 8वें दिन जो सम दिन होता है उसमें किया हुआ गर्भधारण से उत्पन्न संतान तेजस्वी होती है, गुणवान होती है। 10वें दिन से उत्पन्न संतान जो 10वां दिन होता है पीरियड से, उसमें गर्भधारण करते हैं उससे उत्पन्न संतान गुणी होती है, ज्ञानी होती है। 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, 10, 12, 14, 16 ये तो बहुत ही उत्तम दिन होते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10, 12, 14, 16 इन दिनों को ही अपना जो है तिथि के लिए चुने, क्योंकि जब तक पूर्ण तरह शुद्धि हो जाती है और अच्छे गुण जो है संतान में आते हैं। पुत्री प्राप्ति के लिए आपको ध्यान देना है कि पुत्री प्राप्ति के लिए आपको जो है 9वां और 15वां, 7वां ये 3 डेट आप चुने। 3 डेट अगर आप चुनते हैं तो सौभाग्यशाली पुत्री की आपको जो है प्राप्ति होगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। और 13, 11 ये तिथियां ना चुने। 13, 11, 5, 3 ये तिथियां आप भूल के भी ना गिरें, क्योंकि इन तिथियों में उत्पन्न पुत्री सौभाग्यशाली नहीं होती। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए डेट चुने तो बिल्कुल आप सोच समझ के और अच्छी तरह विचार करके ही पुत्र प्राप्ति के लिए डेट चुने। तो मेरा वीडियो का मकसद यही था आपको बताने का कि आप जितना हो सके उतना जो पीरियड समय से लेकर के 8 दिन तो पहले छोड़ ही दें, उसके बाद में ही आप विचार करें। बाकी नक्षत्रों की जानकारी के लिए मैंने वीडियो डाल ही दिया था पहले, और दिन के लिए भी मैंने वीडियो डाल दिया था। तो आप इस हिसाब से डेट चुने जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आप तिथि का विशेष ध्यान रखें। मानो जैसे तिथि सुबह शुरू हुई है और शाम के समय जो प्रदोष काल का समय होता है, सूर्यास्त का समय होता है, तो उस समय आप भूल के भी संबंध ना बनाएं और दोपहर के समय कभी भी संबंध ना बनाएं,
क्योंकि इस समय जो टाइम होता है ना ये सही नहीं होता। जितना हो सके जो तिथि रात की चल रही हो उसी समय पे आप जो है पुत्र प्राप्ति का प्रयास करें, और तिथि दिन इन चीज की मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो आप इन चीजों को आप खुद ही विचार कर लें और इन चीजों की गलती ना करें। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों आप कमेंट करते हो, मैं अभी ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देता हूँ, ज्यादातर सबका रिप्लाई देता हूँ, लेकिन फोन नंबर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। जब फोन नंबर दूंगा तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, आप अपना फोन नंबर आदि ना डालें ना किसी को पैसे आदि दें। जय श्री।